हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव। सो आज का टॉपिक है हमारा एसीएल। एसीएल स्टैंड फॉर द एक्सेस लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, सो अभी क्या होता है कि मार्केट में एक्सेस लिस्ट का यूज क्यों किया जाता है और मार्केट में क्यों आया। जैसे कि अभी इसके पहले हम लोगों ने देखे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, करेक्ट। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हम लोगों ने तीन टाइप्स के राउटिंग प्रोटोकॉल देखे, स्टैटिक, डिफॉल्ट एंड द डायनामिक। ओके, सो डायनामिक के अंदर तीन टाइप्स थे, लाइक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एंड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। इसके अंदर जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है सबके सब हम लोगों ने देखे, एक्सेप्ट ISIS राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता था, जैसे कि हम लोगों ने देखे कि हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क्स थे, तो हम लोगों ने एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज किया, डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज किया। उसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट एडी वैल्यूज, डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बहुत सारी चीजें थे जो हम लोगों ने देखा। अभी अगर हम लोग नेटवर्क इम्प्लीमेंट करते हैं, सो नेटवर्क इम्प्लीमेंट करने के बाद सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है सिक्योरिटी का, ठीक है। जस्ट आप कंसिडर कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो कि एक्सेस लिस्ट ये एक बेसिक सिक्योरिटी फीचर है, ठीक है। बेसिक सिक्योरिटी फीचर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, शायद ये चीज बुक में मेंशन नहीं किया हो, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सेस लिस्ट एक टाइप का स्मॉल फायरवॉल की तरह वर्क करता है, ठीक है। कुछ लोग इसको पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली एक्सेस लिस्ट का कुछ भी ऐसा हार्डवेयर, डिफरेंट हार्डवेयर नहीं आता है, ये एक कंसेप्ट है। तो हम लोग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करने वाले सेम राउटर के ऊपर, जो L3 डिवाइस है हमारे पास राउटर, उसके ऊपर ही हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सेस लिस्ट का यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले एक्सेस लिस्ट, जस्ट कंसिडर करो कि अगर मेरे पास एक कंपनी है जिसका नाम है ABC, ABC कंपनी ने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया, नेटवर्क इंप्लीमेंट कर दिया। अभी नेटवर्क डिप्लॉय करने के बाद वो सोचते कि मुझे कुछ पर्टिकुलर यूजर्स को परमिशन देना है, दैट इज कॉल्ड एज अ परमिट, अगर मैं टेक्निकल वर्ड में बात करता हूँ तो परमिट, और किसी को ब्लॉक करना या तो परमिशन नहीं देना है, उसको टेक्निकल वर्ड में हम लोग बोलेंगे डिनाय। ओके, परमिट परमिशन देना, डिनाय परमिशन नहीं देना, ठीक है, मतलब ब्लॉक करना। तो इस सिचुएशन में अगर मैं सोचता था कि चलो मैं एक काम करता हूँ, एक फायरवॉल खरीद लेता, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग के सेशन में, फायरवॉल बहुत सारी कंपनीज की आती है, जैसे कि HP की फायरवॉल है, सिस्को की ASA फायरवॉल है, 14 डिवाइसेस की भी बहुत सारी फायरवॉल, जूनिपर है, चेक पॉइंट है, पॉलो आल्टो है, एन नंबर ऑफ फायरवॉल्स है डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स की, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो मैं एक फायरवॉल का यूज करता हूँ, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ द फायरवॉल मैं पर्टिकुलर ट्रैफिक को, यूजर्स को परमिट एंड डिनाई कर सकता हूँ। सो मैंने सोचा चलो मैं काम कर देता हूँ, फायरवॉल लगाता हूँ। तो फायरवॉल का जो अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग था, जस्ट कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, अज्यूम कर सकते हैं कि ये 5 लाख से स्टार्ट हुआ, ठीक है। कंपनी बोलती कि हमारा तो इतना बजट नहीं है कि हम लोग एक फायरवॉल को 5 से 10 लाख रुपए स्पेंड करें, जो कि उनका एक बेसिक रिक्वायरमेंट था, कुछ यूजर्स को परमिशन देना है, कुछ यूजर्स को परमिशन नहीं देना है, परमिट और देना ही करना था। तो वो लोग सोचते थे कि चलो मैं 5 लाख रुपए स्पेंड नहीं कर सकता, तो इस सिचुएशन में मेरे पास अनदर सॉल्यूशन क्या है। तो इस सिचुएशन में पता चला कि एक्सेस लिस्ट एक सॉल्यूशन है, जो कि एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के थ्रू हम लोग ये जो रिक्वायरमेंट है, यूजर को, कुछ यूजर को ब्लॉक करना है, कुछ यूजर को परमिट करना है, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, अपने 5 लाख रुपए सेव कर दिए। जैसे उन्होंने सेव किया, ये वाला इम्प्लीमेंटेशन, ये वाला जो कंसेप्ट है वो डिप्लॉय किया अपने नेटवर्क के अंदर, उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, ठीक है। समझ यहां तक समझ में आ गया। ओके, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सेस लिस्ट क्या कहता है, एक्सेस लिस्ट इज अ सेट ऑफ द रूल्स व्हिच अलाउ, एंड अलाउ मतलब जो परमिशन देना, ठीक है, व्हिच परमिट अ पर्टिकुलर नेटवर्क, नेटवर्क सर्विसेस, उसके बाद बहुत सारी चीजें जिसके अंदर, जो कि हम लोग डिफरेंस पता करेंगे तो उसमें और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। Access list is a set of the rules which allow or deny the specific traffic moving through the router. इसका मतलब जो भी हम लोग एक्सेस लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं, राउटर के ऊपर क्रिएट करने वाले हैं, जो कि ट्रैफिक को अलाउ
और डिनाई करने का काम करने वाला है थ्रू द राउटर। ठीक है, एक्सेस लिस्ट किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये मैं प्रैक्टिकल सेशन में आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली आज के सेशन में मैं ओनली थियोरेटिकल बातें करने वाला हूँ। सेकंड थिंग इज अ L3 सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एक फायरवॉल की तरह वर्क करती है, ये एक L3 सिक्योरिटी होते हैं जो कि ट्रैफिक फ्लो को मैनिपुलेट, अलाउ एंड डिनाई करने का काम करती है टूवर्ड्स अनदर राउटर। जो भी मेरे डिफरेंट नेटवर्क है, डिफरेंट राउटर है, उसके पास ट्रैफिक जाने के लिए मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक स्मॉल टोपोलॉजी बनाता हूँ, जैसे कि ये मेरा स्विच है, इसके नीचे दो यूजर्स है और यहाँ पे भी एक स्विच है और यहाँ पे एक यूजर्स है। जस्ट कंसिडर करो इसका IP एड्रेस 1.1, इसका 1.2, इधर ले लेते 2.1 एंड 2.2। ठीक है, अभी जस्ट कंसिडर करते हैं कि ये 1.1 का नेटवर्क 1.1 IP एड्रेस 2.1 एंड 2.2 के साथ रीच होना चाहिए, बट 1.2 ये 2.1 एंड 2.2 के साथ रीच नहीं होना चाहिए। मतलब इसको परमिट करना है, परमिशन देना है, और इसको ब्लॉक करना है, इसको डिनाई करना है। ठीक है, तो अगर मुझे इस तरीके का सिनेरियो आता है तो अगर मैं नॉर्मल राउटिंग प्रोटोकॉल चलाता हूँ तो उसके अंदर तो नहीं कर सकता। ठीक है, बिकॉज ये मैं कंप्लीट नेटवर्क एड्रेस करूंगा, सो डेफिनेटली ये अनदर नेटवर्क में जाके रीच हो सकता है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर यूजर्स को ही अलाउ एंड डिनाई करना है, तो इस सिचुएशन में मुझे एक्सेस लिस्ट का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, एक्सेस लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। PFF भी बोलते इसको, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ओके, जो कि पैकेट को है उसको फिल्टर करके आगे में प्रोवाइड करने का काम करता है। अभी एक्सेस लिस्ट की अगर मैं बात करता हूं, एक्सेस लिस्ट की बात करता हूं तो इसके अंदर भी टाइप्स है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एक्सेस लिस्ट। एक होता है नंबर और दूसरा होता है नेम्ड। नाम से समझ ही आ गए होंगे कि जैसे कि अगर मैं कुछ न्यूमेरिकल नंबर देखता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ नंबर एक्सेस लिस्ट। अगर नेम देखता हूँ, लाइक किसी कंपनी का नाम है ABC XYZ, तो मैं यहाँ पे नाम से भी एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। हालांकि दोनों का वर्किंग सेम है, इसमें कन्फ्यूजन मत रखो। काफी सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन रखते कि यार नंबर है तो अलग होगा, नेम है तो अलग होगा, दोनों भी सेम ही है। ठीक है, तो काफी सारे लोग नेम से ही क्रिएट करते, बिकॉज नेम से आइडेंटिफाई करना काफी आसान होता है एज कम्पेयर टू द नंबर। लेकिन काफी सारे लोग फैमिलियर होते हैं नंबर के साथ भी, तो नंबर के साथ भी कॉन्फिगर करते हैं। सो मैं मोस्टली नंबर के साथ कॉन्फिगर करता हूँ, मैं उसके साथ काफी फैमिलियर हूँ, लेकिन कोई मुझे बोलता है कि नेम के साथ कॉन्फिगर करना है, तो इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत अर्से। ओके, अभी नंबर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर भी दो टाइप के एक्सेस लिस्ट आती है, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है एक्सटेंडेड। सेम एज जैसे कि मैंने बताया, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, खाली नंबर और नाम का डिफरेंस होता है। तो इधर भी दो टाइप्स के एक्सेस लिस्ट आती है, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है नंबर। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में क्या क्या डिफरेंसेस आता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, और यहां पे मैं लिख लेता एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। ओके, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, इसका रेंज स्टार्ट होता है 1 to 99। अगर किसी ने मुझे बोला कि अगर उसने किसी राउटर के ऊपर एक्सेस लिस्ट क्रिएट किया है, अगर मैं नंबर देखता हूँ 39 है या तो 10 है, तो मैं ये नंबर देख के आइडेंटिफाई कर सकता हूँ वो एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड है या तो एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो मुझे इसीलिए ये काफी आसान लगता है, क्योंकि ये 1 to 99 तक स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट का रेंज है। तो इसके अंदर मुझे इसके अंदर का कोई भी नंबर मुझे एक्सेस लिस्ट में दिखता है, तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि ये स्टैंडर्ड है। सेम एज एक्सटेंडेड अगर स्टार्ट करते हैं तो वो होता है स्टार्ट 100 to 199 तक। अगर कहीं भी मुझे एक्सेस लिस्ट 100 दिख रहे, तो मैं समझ जाऊंगा ये एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है। मतलब काफी आसान हो जाता है कि मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए 1 to 99 स्टैंडर्ड, 100 to 199 तक एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का यूज किया जाता है। सेकंड थिंग, ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट ब्लॉक करता है, जैसे कि मैंने बताया, ब्लॉक करता है नेटवर्क को, पर्टिकुलर होस्ट को, एज वेल एज द सबनेट को। ठीक है, ये नोट करना, ये काफी लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट ब्लॉक अ पर्टिकुलर नेटवर्क, होस्ट एंड द सबनेट।
If I compare to standard access list with extended access list, so extended access list, he can allow or deny, permit and deny की बात कर रहा हूँ मैं, permit and deny, network को भी करता है, host को भी करता है और subnet को भी करता है as well as services को भी करता है। ये बात notice करना, काफी सारे लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है। ये सर्विसेज को भी करता है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज बहुत सारे टाइप्स की सर्विसेज होती है, एफटीपी सर्विस है, एचटीटीपी सर्विस है, ब्ला ब्ला नंबर ऑफ सर्विसेज है, जैसे कि आप लाइक जो पोर्ट नंबर है, यूडीपी सर्विसेज, टीसीपी सर्विसेज, ऑल अदर सर्विसेज। तो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट अलाउ एंड डिनाय नेटवर्क होस्ट सबनेट एज वेल एज द सर्विसेज, इसको अलाउ एंड डिनाय करने का काम करती है। एज कम्पेयर टू द एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट ओनली ब्लॉक नेटवर्क होस्ट एंड द सबनेट को ब्लॉक करने का काम करती है। इसके अंदर सर्विसेज का मैटर नहीं दिया, इसके अंदर सर्विसेज के बारे में कंटेंट नहीं दिया, बिकॉज ऑल सर्विसेज आर ब्लॉक, इसमें सभी सर्विसेज ब्लॉक्ड होती है। नेक्स्ट वन, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सिलेक्टेड सर्विसेज ही ब्लॉक है, इसमें सिलेक्टेड सर्विसेज ही ब्लॉक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, ये हमेशा डेस्टिनेशन के क्लोज में, क्लोज टू द डेस्टिनेशन इंप्लीमेंट किया जाता है, क्लोज टू द डेस्टिनेशन इंप्लीमेंट किया जाता है, और ये इसका इंप्लीमेंटेशन क्लोज टू द सोर्स। इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फिल्टरिंग बेस्ड ऑन द सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस के डन पे पैकेट को हम लोग फिल्टर करके आगे में फॉरवर्ड करने का काम कर सकते हैं। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में फिल्टरिंग इज डन बेस्ड ऑन द सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल एज वेल एज द पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर मतलब सेम एज वही सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के बीच का डिफरेंस है। तो फिर से एक बार दोहराते, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1 to 99, ओके, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 100 to 199। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट ब्लॉक करता है नेटवर्क होस्ट एंड द सबनेट्स को, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट अलाउ एंड ब्लॉक करता है नेटवर्क होस्ट सबनेट एज वेल एज द सर्विसेज। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में सभी सर्विसेज ब्लॉक होती है, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में कुछ ही सर्विसेज ब्लॉक होती है। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हमेशा डेस्टिनेशन के क्लोज में लगाया जाता है, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट सोर्स के क्लोज में इंप्लीमेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट का जो फिल्टरिंग होता है इज बेस्ड ऑन द सोर्स आईपी एड्रेस, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का जो राउट फिल्टरिंग होता है बेस्ड ऑन सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल एज वेल एज द पोर्ट नंबर सर्विसेज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसका जो इम्प्लीमेंट है मैं नेक्स्ट वाले प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वाला सेशन आपको पसंद आया, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है इसके ऊपर, एक्सेस लिस्ट किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है राउटर के ऊपर, तो हम लोग ये प्रैक्टिकल ही देखने वाले, ठीक है। तो मैं एक बेसिक टोपोलॉजी बनाऊंगा, कौन से ट्रैफिक को डिनाई करना है, कौन से ट्रैफिक को अलाउ करना है, ये सब चीजें आपको उस वाले सेशन में क्लियर होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।